नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपसे जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, ये सवाल आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो लगातार देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या विद्योत्तमा। तो दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर किया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? ऑप्शन है 30%, 56%, 78% या 82%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78%। तीसरा सवाल है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल दिए गए हैं इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। चौथा सवाल है, निकोटीन पदार्थ किस में पाया जाता है? ऑप्शन है सर्पगंधा, तंबाकू, बेलेडोना या सिनकोना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। पांचवा सवाल है, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? ऑप्शन है कवक, शैवाल, विषाणु या जीवाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। छठवां सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान या जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल में। सातवां सवाल है, विश्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है? ऑप्शन है एंडीज, अलास्का, हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वत श्रृंखला। आठवां सवाल है, जरिया कोयले की खाने किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड में। नौवां सवाल है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या माल्टोस। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी आसानी से होती रहेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन एंजाइम। दसवां सवाल है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ऑप्शन है तरल पदार्थ, गैस, अशांत बादल या मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशांत बादल। तो दोस्तों, आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए, हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखकर जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें,
खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।